मूवी की शुरुआत होती है और हम कुछ लोगों को क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी इस जगह पर एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से क्लाइंबिंग कर रहे सभी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। इसके बाद हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पर रह रही थी। एक दिन एलिस जब अपने काम पर जा रही थी तभी रास्ते में एक आदमी को देखती है। एलिस इस आदमी को देखते ही उसके ऊपर लट्टू होने लगती है, लेकिन ये आदमी एलिस से बात किए बिना ही यहाँ से चला जाता है। एलिस का मन नहीं लग रहा था, इसलिए ये बार बार उसी आदमी को छुप कर देख रही थी। वो आदमी एलिस को देख लेता है, जिसके बाद वो आदमी एक टैक्सी बुक करता है और एलिस अपनी मर्जी से इसमें आकर बैठती है। वो आदमी एलिस को अपने घर लेकर आता है। घर आते ही ये आदमी एलिस के साथ खपागप करने लगता है। खपागप करने के बाद एलिस जब यहाँ से जाती है तब इसे अपने ऊपर काफी गिल्टी फील होता है, क्योंकि एलिस का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था। उसके बाद भी एलिस ने उस अनजान आदमी के साथ खपागप किया। एलिस जाकर भी उस अनजान आदमी को भुला नहीं पा रही थी। अगले दिन एलिस जब अपने काम पर जा रही थी तभी रास्ते में एक बुक स्टोर पर एक बुक देखती है। एलिस इस बुक में उसी अनजान आदमी की फोटो देखती है जिसके साथ इसने कल खपागप किया था। एलिस स्टोर के ओनर से इस बुक के बारे में पूछती है। तब ओनर एलिस को बताते हैं कि इस लड़के का नाम एडम है। मूवी की शुरुआत में हमें जो क्लाइंबिंग का एक्सीडेंट दिखाया गया था उसमें एडम भी था। उस एक्सीडेंट में कई सारे लोग मारे गए थे, लेकिन एडम ने वहाँ 6 लोगों को मरने से बचाया था। 6 लोगों को बचाने से एडम सबका हीरो बन गया और इस पर एक बुक लिखी गई। एलिस बुक लेकर पढ़ती है। बुक पढ़ने के बाद एलिस दोबारा से एडम के घर आती है। यहाँ आकर एलिस फिर से एडम के साथ खपागप करती है। एलिस यहाँ एडम से क्लाइंबिंग में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। एडम एलिस को बताता है कि ये लोग वहाँ पर क्लाइंबिंग काफी अच्छे से कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ की बर्फ फिसल गई, जिसकी वजह से क्लाइंबिंग कर रहे सभी लोग नीचे गिरकर मर गए। उस एक्सीडेंट में एडम की दूसरी गर्लफ्रेंड भी थी जो कि वहाँ गिरकर मर गई। ये सुनकर एलिस एडम को रिलैक्स करती है और कहती है कि अब ये एडम के साथ नहीं रहेगी। एलिस अपने घर आती है और ये अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके एडम के साथ रहने उसके घर आती है। एलिस एडम के घर एक लड़की को देखती है। इस लड़की को देखकर एलिस को लगता है कि शायद ये लड़की एडम की गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये लड़की एलिस से कहती है कि ये एडम की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि ये उसकी सिस्टर है जिसका नाम डेबरा है। एलिस डेबरा से एडम के बारे में पूछती है। तब डेबरा एलिस को एडम का एड्रेस देती है। एलिस एडम के घर आती है, लेकिन एडम यहाँ पर नहीं होता, इसलिए एलिस बाहर ही बैठकर एडम का इंतजार करती है। एडम घर जैसे ही आता है वैसे ही एलिस इसके गले लग जाती है। एडम यहाँ घर के बाहर ही एलिस के साथ खपागप करता है। अगले दिन जोआना नाम की लड़की एडम का इंटरव्यू लेने आती है। एलिस भी जोआना से मिलती है। इसके बाद एलिस तैयार होकर अपने काम पर निकल जाती है। शाम के टाइम एलिस एडम से मिलने उसके ट्रेनिंग सेंटर पर आती है। यहाँ एलिस एडम की सिस्टर डेबरा से मिलती है। डेबरा भी उस दिन एडम के साथ क्लाइंबिंग करने गई थी। डेबरा एलिस को एक बार ट्राई करने के लिए कहती है और ये इसे सीट पर लगाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर एडम आता है जो डेबरा को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि एडम नहीं चाहता था कि डेबरा एलिस से फ्रेंडशिप करे। अब ऐसा क्यों? ये आपको आगे की मूवी में पता चलेगा। एलिस एडम के प्यार में पगला गई थी, इसलिए ये अब एडम के साथ ही रह रही थी। एक दिन एलिस अपनी फ्रेंड को एडम के बारे में बताती है, तो इसकी फ्रेंड एलिस से कहती है कि तुम्हारा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था, उसके साथ तुम काफी खुश भी थी, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया और अब तुम एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हो जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं हो। अपनी फ्रेंड की बातों पर एलिस ज्यादा ध्यान नहीं देती और ये शॉपिंग करके यहाँ से जाने लगती है। रास्ते में एक चोर एलिस का बैग चुरा कर भागता है, लेकिन यहाँ पर एडम भी था जो चोर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। एडम चोर को काफी मारता है, लेकिन एलिस एडम को रोकती है। एडम यहाँ एलिस को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसकी वजह से एलिस काफी खुश होती है। अगले दिन एलिस को एक लेटर मिलता है जिसे किसी ने एलिस के लिए भेजा था। इस लेटर में लिखा था कि तुम एडम को ठीक से जानती तक नहीं हो, फिर भी तुम उससे शादी करने जा रही हो। एलिस ये लेटर एडम को दिखाती है, तो एडम इससे कहता है कि ये सब फालतू की चीजें हैं, इसलिए तुम इन सब पर ज्यादा ध्यान मत दो। एलिस भी लेटर में
लिखी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ये चर्च में आकर एडम से शादी कर लेती है। शादी के बाद एडम एलिस को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर आता है जहाँ पर एक स्टैचू बना था। एडम एलिस को कपड़े बदलने के लिए कहता है। एलिस जब अपने कपड़े बदल रही थी तब एडम इसकी एक न्यूड फोटो क्लिक करता है। एडम एलिस को हाइकिंग पर लेकर जाता है जहाँ ये दोनों एक घर में रुक कर अपनी सुहाग रात मनाते हैं। अगले दिन घर आने पर एलिस को फिर से एक लेटर मिलता है। इस लेटर में लिखा था कि एडम से शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एलिस को लगता है कि ये लेटर इसके एक्स बॉयफ्रेंड ने इसे भेजा है, इसलिए एलिस उसे कॉल करती है। लेकिन ये कॉल उसकी एक फ्रेंड पिक करती है जो अब उसी के साथ रह रही थी। एलिस यहाँ समझ जाती है कि ये लेटर इसके एक्स बॉयफ्रेंड ने नहीं बल्कि कोई और ही है जो इसे ये लेटर्स भेज रहा है। शाम के टाइम एलिस एडम के साथ एक पार्टी में आती है। इस पार्टी में डेबरा भी थी। डेबरा यहाँ एलिस को एक नेकलेस गिफ्ट करती है। एक दिन एलिस जब अपने ऑफिस में थी तब रिपोर्टर जोआना एलिस को कॉल करती है। रिपोर्टर एलिस को बताती है कि एडम का इंटरव्यू देखकर एक लड़की ने इन्हें कॉल किया था। वो लड़की बता रही थी कि एडम ने उसके साथ जबरदस्ती उसका रेप किया है। एलिस रिपोर्टर से उस लड़की का एड्रेस लेकर उससे मिलने उसके घर आती है। ये लड़की एलिस को बताती है कि ये एडम से एक पार्टी में मिली थी। पार्टी में ये दोनों एक साथ में डांस कर रहे थे, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद जब ये अपने घर जा रही थी तब रास्ते में एडम ने इसके साथ जबरदस्ती करके इसका रेप कर दिया। ये लड़की कहती है कि भले ही आज एडम को लोग अपना हीरो मानते हैं, लेकिन वो एक दरिंदे से कम नहीं है। इस लड़की की बात सुनकर एलिस काफी शॉक्ड होती है, जिसकी वजह से इसे भी एडम के ऊपर शक होने लगता है। घर आकर एलिस एक लॉकर खोलती है जिसमें से उसे एडम की एक्स गर्लफ्रेंड अडाल के कुछ लेटर्स मिलते हैं। इस लेटर में लिखा था कि अब ये एडम के साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि एडम काफी घटिया किस्म का आदमी है, इसलिए ये इसे छोड़कर वापस से अपने घर पर जा रही है। एलिस लेटर पढ़ ही रही थी कि तभी घर पर एडम आ जाता है, जिसकी वजह से एलिस जल्दी जल्दी उस लेटर को छुपा देती है। एडम को एलिस के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन ये एलिस को कुछ कहे बिना ही यहाँ से चला जाता है। एडम के जाने के बाद एलिस फिर से उस लॉकर को खोलने लगती है, लेकिन इस बार इसे उसकी चाबी नहीं मिलती क्योंकि चाबी एडम अपने साथ लेकर गया था। एलिस को यहाँ पर एक पार्सल मिलता है। इस पार्सल में एलिस को इसकी वेडिंग ड्रेस और एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा था कि इतना सब जानने के बाद भी तुम एडम पर यकीन कैसे कर सकती हो। एलिस को लग रहा था कि ये लेटर एडम की एक्स गर्लफ्रेंड अडेल इसे भेज रही है, इसलिए एलिस अडेल से मिलने उसके घर आती है। यहाँ अडेल की मॉम एलिस को बताती है कि अडेल पिछले 8 महीने से मिसिंग है। मैंने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। एलिस यहाँ एक ग्रुप फोटो में एडम को देखती है। एडेल की मॉम एलिस को बताती है कि ये लड़का एडेल का बॉयफ्रेंड था। एलिस यहाँ एडेल की वैसी ही फोटो देखती है जैसा एडेल ने इसकी क्लिक की थी। एलिस को लगता है कि एडम ने ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एडेल को मारा है। एलिस जब घर आती है तब एडम इससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। एलिस एडम को सारी चीजें बताती है। एलिस कहती है कि इस घर में इसे एडम की एक्स गर्लफ्रेंड एडेल के लेटर्स मिले थे, जिसकी वजह से ये उसके बारे में जानने के लिए उसके घर पर गई थी, लेकिन इसे वहाँ पता चला कि एडेल 8 महीनों से मिसिंग है और मुझे लग रहा था कि तुमने ही उसे मारा है। एलिस की बात सुनकर एडम कहता है कि मैंने उसे नहीं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। एलिस को एडम की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए ये वॉशरूम का बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाती है। एडम एलिस को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। इस पर एलिस एक जगह पर छुप जाती है जिसकी वजह से एडम इसे नहीं ढूंढ पाता। एलिस ऑफिसर के पास आती है और बताती है कि इसके हस्बैंड ने एक लड़की का मर्डर किया है, लेकिन ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि एलिस के पास एडम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता, इसलिए ऑफिसर एलिस की बातों पर यकीन नहीं करते। उधर एडम भी ऑफिसर को बताता है कि इसकी वाइफ कल रात से ही मिसिंग है क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ बहस हुई थी जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई। ऑफिसर एलिस को ये सब दिखाती है और कहती है कि इन्हें नहीं लगता कि एडम किसी का मर्डर कर सकता है। एलिस यहाँ एडम को देख सकती थी पर एडम एलिस को नहीं देख पाता। एलिस को अभी भी एडम के ऊपर शक था, इसलिए ये एडम की सिस्टर डेबरा के घर आती है। एलिस डेबरा को सारी चीजें बताती है। तब डेबरा इसे कहती है कि इसे पहले से ही एडम पर शक था क्योंकि उसी दिन जब ये
माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर रहा था, तब एडम ने जानबूझकर क्लाइंबिंग कर रहे लोगों को वहां से नीचे गिराया था, क्योंकि एडम लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें मार देता है। एडम ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ कई लोगों को वहां से नीचे गिराया था ताकि सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंट है। एलिस को लगता है कि एडम ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अडेल की बॉडी उसी स्टैचू के नीचे छुपाई है जहाँ पर उसने इसकी फोटो क्लिक की थी। एलिस डेबरा के साथ स्टैचू के पास जाने लगती है। कार में डेबरा एलिस को बताती है कि एलिस को जो लेटर्स मिल रहे थे वो लेटर डेबरा ही इसे भेज रही थी, क्योंकि इसे अपने भाई के ऊपर शक था कि कहीं वो एलिस को भी ना मार दे। उधर एडम डेबरा के घर आता है। एडम यहाँ एलिस और एडेल की फोटो देखता है तो इसे लगता है कि एलिस उस स्टैचू के पास गई है, इसलिए ये भी जल्दी से वहाँ पर जाने लगता है। उधर एलिस को खुदाई करते समय यहाँ पर एक बॉडी मिलती है। इस बॉडी के गले में एक नेकलेस था। ये नेकलेस ठीक वैसा ही था जैसा डेबरा ने एलिस को गिफ्ट किया था। नेकलेस देख एलिस समझ जाती है कि इस लड़की को एडम ने नहीं बल्कि डेबरा ने इसे मारा है। एलिस डेबरा से इसके बारे में पूछती है, तब डेबरा इसे कहती है कि हाँ, इसने ही एडम को मारा था और उस दिन क्लाइंबिंग करते समय जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट डेबरा ने किया था, क्योंकि ये एडम की सभी गर्लफ्रेंड को मारना चाहती है। डेबरा कहती है कि ये जब छोटी थी तो तभी से ही ये एडम को पसंद करती थी और ये चाहती है कि एडम बस इसके साथ ही रहे। डेबरा यहाँ ये भी बताती है कि जब ये छोटी थी तो इसने एडम के साथ इसी स्टैचू के सामने ही कपागप किया था। डेबरा ही वो लड़की है जिसने एडम की सारी गर्लफ्रेंड को मारा है, इसलिए अब ये एलिस को भी मार देगी। डेबरा एलिस को मारने लगती है, लेकिन तभी यहाँ एडम आ चुका था जो एलिस को डेबरा से बचाता है। एडम कहता है कि बचपन में इनके भी जो भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ था। एडम को पहले से ही डेबरा पर शक था, क्योंकि इसे लग रहा था कि डेबरा ने ही इसकी गर्लफ्रेंड को मारा है, इसलिए एडम डेबरा पर जरा भी यकीन नहीं करता था। डेबरा एडम को मारने ही जा रही थी कि तभी एलिस फायर गन से इस पर शूट करती है, जिसकी वजह से डेबरा यहीं पर मर जाती है। सुबह होने पर पुलिस एडम को अरेस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से एडम और एलिस एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।